मैं अपने घर पे लगाने के लिए कुछ बेस्ट सिक्योरिटी कैमरास ढूंढ रहा था, तो ऑनलाइन काफी रिसर्च के बाद मैंने टॉप रेटिंग्स और ग्रेट रिव्यूज के बेसिस पे ये तीन कैमरास को सिलेक्ट किया है, जो कि आपको मिल जाते हैं जस्ट अराउंड ₹3000। और ये ब्रांड्स हैं MI, TAPO एंड Realme। और मैं दिखाऊंगा आपको इन सभी कैमरास के रियल टाइम टेस्ट, जिससे आप इस वीडियो के एंड तक अपने लिए एक बेस्ट सीसीटीवी कैमरा को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इन सभी कैमरास को आप किसी भी वाईफाई रेंज के अंदर सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर सेटअप कर सकते हैं, जिसको आप काफी आसानी से अपने घर पे किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। और इसको आप बहुत ही सिंपली अपने दीवार के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। और इन सभी कैमरा के साथ आपको रोटेट और टिल्ट का फंक्शन भी मिल जाता है, जिसे आप किसी भी एरिया को कंप्लीट 360 डिग्री के अंदर कवर कर सकते हैं। और इवन इन सभी के साथ आपको अपनी ऐप पे जूम करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इवन इन सभी की एप्स मुझे यूज करने में काफी ज्यादा आसान लगी। और यहाँ पे अगर मैं कैमरास की रेजोल्यूशन की बात करूं, तो MI और Realme के साथ आपको फुल HD की वीडियो क्वालिटी मिल जाती है, और अगर मैं TAPO की बात करूं तो उसके साथ आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो फुल HD के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होती है। तो चलिए फिर सबसे पहले टेस्ट करते हैं इन सभी कैमरास की वीडियो क्वालिटी को डे टाइम के अंदर, जिसके अंदर मैंने 6 फीट, 8 फीट और 10 फीट के साथ फेस क्लैरिटी और टेक्स्ट क्लैरिटी को चेक किया है। तो यहाँ सबसे पहले चेक करते हैं 6 फीट के अंदर सभी कैमरास की क्लैरिटी को। तो इस डिस्टेंस पे सभी कैमरास की फेस और टेक्स्ट क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो चलिए अब चेक करते हैं 8 फीट के डिस्टेंस से। तो यहाँ पे 8 फीट डिस्टेंस में MI और TAPO की फेस और टेक्स्ट क्लैरिटी अभी भी काफी ज्यादा मेंटेन्ड है, जिसके अंदर मैं लार्ज और स्मॉल टेक्स्ट को काफी आसानी से पढ़ पा रहा हूँ, और इवन यहाँ पे मैं फेस को भी इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं Realme की बात करूँ, तो उसकी वीडियो क्लैरिटी यहाँ पे थोड़ी सी पिक्सेलेट हो गई है, जिसके अंदर मैं स्मॉल टेक्स्ट को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहा हूँ, और इवन फेस को भी रिकॉग्नाइज करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो चलिए अब चेक करते हैं 10 फीट डिस्टेंस से। तो इस डिस्टेंस के अंदर मुझे TAPO की फेस और टेक्स्ट क्लैरिटी बाकी दोनों कैमरास के मुकाबले थोड़ी सी बेटर लगी, और यहाँ पे MI की फेस और टेक्स्ट क्लैरिटी भी अच्छी थी, बट उतनी नहीं जितनी TAPO की थी। और फाइनली अगर मैं Realme की बात करूँ, तो उसकी फेस और टेक्स्ट क्लैरिटी काफी ज्यादा पिक्सेलेट हो गई है, जिसकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी एवरेज लगी। तो इन सभी कैमरास की हमने नाइट विजन क्लैरिटी को भी टेस्ट किया है, जिसके अंदर आप रात को इवन 0 लाइट्स के साथ भी क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 फीट के डिस्टेंस से हमें सभी कैमरास की फेस और टेक्स्ट क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, बट यहाँ पे भी मुझे TAPO की वीडियो क्वालिटी बाकी दोनों कैमरा से थोड़ी सी बेटर लगी। और यहाँ पे 10 फीट डिस्टेंस के अंदर MI और Realme की क्लैरिटी काफी ज्यादा पिक्सेलेट हो गई है, जिसके अंदर मैं फेस और टेक्स्ट को इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं TAPO की बात करूँ, तो उसकी फेस और टेक्स्ट क्लैरिटी मुझे अभी भी काफी ज्यादा क्लियर लगी, जिसके अंदर मैं लार्ज टेक्स्ट को अभी भी काफी क्लियरली पढ़ पा रहा हूँ। और इन कैमरास के अंदर रिकॉर्डिंग को स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें MI के साथ आप 64GB तक का मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अराउंड 7-8 डेज की वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे Realme के साथ आपको 128 और TAPO के साथ 256GB का सपोर्ट ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप काफी आसानी से 14-21 डेज की रिकॉर्डिंग को भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब टेस्ट करते हैं मोशन डिटेक्शन के फीचर को, जो कि आपको काफी काम आ सकता है नाइट टाइम में अपने घर को मॉनिटर करने के लिए, या फिर आप जब भी अपने वेकेशन पे होते हैं तब। तो यहाँ मैंने डे और नाइट टाइम के अंदर डिफरेंट सिनेरियोस में कैमरास को टेस्ट किया है। इस सिनेरियो के अंदर तीनों ही कैमरास ने इस पर्सन की मूवमेंट को कैप्चर कर लिया है। तो चलिए अब चेक करते हैं सिनेरियो 2 को। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इवन स्मॉल किड्स को भी ये कैमरास काफी आसानी से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और इवन डार्कनेस के अंदर भी ये सारे कैमरास किसी अनयूजुअल एक्टिविटी को भी कैप्चर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इन सभी कैमरास की मोशन डिटेक्शन की एक्यूरेसी मुझे काफी ज्यादा एक्यूरेट लगी, बट यहाँ पे MI के साथ मुझे ऐप के अंदर जाकर मोशन डिटेक्शन की एक्टिविटी को चेक करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके पुश नोटिफिकेशंस काफी सेटिंग्स चेंज करने के बाद भी काम नहीं कर रहे थे, और ये इशू काफी लोगों ने अपने रिव्यूज के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। तो आई होप ऐप की नेक्स्ट अपडेट के साथ ये इशू फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर हमने सभी कैमरास के इनबिल्ट माइक क्वालिटी को भी चेक किया है। तो दिस इज अ माइक क्वालिटी टेस्ट विद MI CCTV। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है MI CCTV के साथ। तो दिस इज अ माइक क्वालिटी टेस्ट फ्रॉम TAPO CCTV। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है TAPO CCTV के साथ। तो दिस इज अ माइक क्वालिटी टेस्ट फ्रॉम Realme CCTV। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है Realme CCTV के साथ। तो इस टेस्ट के अंदर मुझे सभी कैमरास की माइक क्वालिटी काफी ज्यादा लाउड एंड क्लियर लगी, और इन सभी कैमरास के साथ आपको 2-way टॉक का फंक्शन मिल जाता है। तो उसके लिए हमने चेक किया है इन सभी कैमरास की स्पीकर क्वालिटी को भी। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अ स्पीकर आउटपुट क्वालिटी विद MI कैमरा। तो ये स्पीकर आउटपुट क्वालिटी है MI कैमरा के साथ। सो दिस इज अ स्पीकर आउटपुट क्वालिटी विद TAPO कैमरा। तो ये स्पीकर आउटपुट क्वालिटी है TAPO कैमरा के साथ। सो दिस इज अ स्पीकर आउटपुट क्वालिटी फ्रॉम Realme कैमरा। तो ये स्पीकर आउटपुट क्वालिटी है Realme कैमरा के साथ। तो
तो इस टेस्ट के अंदर मुझे MI की स्पीकर क्वालिटी काफी ज्यादा लाउड और क्लियर लगी और यहाँ पे Realme की स्पीकर क्वालिटी भी काफी अच्छी थी, पर यहाँ पे अगर मैं टैपो की बात करूँ तो उसकी स्पीकर लाउडनेस मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कम लगी। तो यहाँ पे मोशन डिटेक्शन के साथ आपको टैपो और Realme के अंदर मोशन ट्रैकिंग का फीचर भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपका कैमरा किसी भी मूवमेंट के साथ ऑटोमेटिकली मूव करता रहेगा और ये फीचर काफी काम आ सकता है अगर आपके घर पे किड्स या फिर पेट्स होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम फाइनल रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे सारे टेस्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद मेरी आपको फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी टैपो CCTV कैमरा की, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट सारे ही टेस्ट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया, इवन उसके साथ आपको काफी एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ मेरी दूसरी रिकमेंडेशन MI और Realme कैमरा की होगी, क्योंकि उन दोनों की परफॉर्मेंस भी सभी टेस्ट के अंदर काफी अच्छी थी, पर टैपो के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा चैनल जल्दी ग्रो कर पाएगा और हम आपके लिए और भी ज्यादा डिटेल टेस्ट की वीडियोस ला पाएंगे। तो थैंक यू फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।